सुधरते रिश्तों के साथ दोनों देशों के सुरों का सुरीला सफर भी शुरू हो गया है। कलाकारों ने अपने सुर साधने शुरू कर दिए हैं और रेशमा ने एक बार फिर उसी पुराने जोश से जोधपुर में गाया दमादम मस्त कलंदर। जोधपुर के महाराज उमेद सिंह जन्म शताब्दी समारोह का मौका था, रिश्तों की नई गर्माहट का दस्तूर। इसलिए पाकिस्तान की मशहूर गायिका रेशमा को तो समा बांधना ही था। मेरी निगाह में ये दोनों ही मुल्क है ना, दोनों ही जो भी लीडर हैं, ये हमारे दोनों मुल्क के लीडर हैं ना, मुझे ये भोले लगती हैं। इसलिए कि इनकी समझ में कुछ नहीं आता, ये एक दूसरे नाराज ही रहेंगे या लड़ाई रहेगी या जो भी है, बहन भाइयों की तरह रहना चाहिए। चंद जिंदगी इंसान की थोड़ी सी, वक्त और तख्त ये खुदा की है। धरती राजस्थान की थी, इसीलिए रेशमा को केसरिया बालम भी याद आ गए। सुनने वालों को और क्या चाहिए। रेशमा चाहती हैं कि उनकी परंपरा जिंदा रहे, इसलिए बेटी शाजिया को भी सारे गांव की तान सिखा दी है। जब इतने सुर समा में हो तो क्या राजा, क्या प्रजा और क्या मेहमान, सब झूम उठे। दुआ सबने एक मांगी, दोस्ती का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे। राजीव गौड़, जी न्यूज, जोधपुर। और मुंबई में सेलिब्रेटिंग इंडिया उत्सव की शुरुआत बड़े धूमधाम से हुई। भारतीय